रिधान, औरत लोग के सामने प्यार और मोहब्बत से वोट मांगने का है। मेरी जान सिर्फ हमें वोट देना है, इतने प्यार से वोट मांग रही हूँ, हमें दो बस सुअर पे मोहर लगा दी। एक गांडू प्रधान को देख लेगा इधर। अरे प्रधान इतनी मोहब्बत से भी वोट नहीं मांगने का है। दो पहन मेरा सुअर, मेरा सुअर बहुत बढ़िया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज़। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डर्टी पॉलिटिक्स। तो आज हम लोग इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, राउंड टू हेल की जो डर्टी पॉलिटिक्स की सीरीज है, इसके बाद हम लोग पैरेलल वर्ल्ड की भी शुरू करेंगे। तो यार, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सुन ले बे, इस बार के इलेक्शन में टुकड़ा नहीं होगा। तूने पिछली बार भी खानदान की बेइज्जती करवाई है। इलेक्शन थोड़ी लड़ा था ये सुअर, ये तो लोगों से लड़ा था। ऐसे नहीं जीते जाते इलेक्शन। अरे तो जीत भी कैसे जाएगा रे अपुन, घर से ही पूरा सपोर्ट नहीं मिलना मेरे को। घर में जने हैं 7 वोट, पिछले इलेक्शन में मिले 5। दो दोगले किधर गए? मेरे को मेरी माँ पे पूरा भरोसा है रे, तेरे पे नहीं है बाप, माँ ने मेरे को वोट जरूर डाला होगा। मैं तो अनबर कबाड़िया को देख आई खाट पे। खाट पे? अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं कह रही हूँ मैं देख आई खाट पे वोट, अनबर को खड़ा ना हुआ पिछले साल। तुम तो ऐसे करो, लो मेरी चुम्मा ले लो। ए, पंचायत खत्म हो गई है तो इधर देख लेगा। मेरे को रोकड़ा मांगता है इलेक्शन के वास्ते, और इस बार जीतने का भी है। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इलेक्शन में, इस बार तेरे चचा का खड़ा है। मतलब तेरे चचा का खड़ा करेंगे, मतलब तेरे चचा का खड़ा होगा। अरे भगवान, चाचा बताओ इसे। लल्ला ये कहना चाह रहे हैं तेरे चचा का बहुत मोटा। लल्ला मेरा मतलब ये था कि इस बार इलेक्शन में खानदान में से सिर्फ एक का खड़ा रहेगा, मतलब एक खड़ा होगा बस। तो खानदान से एक खड़ा हो सकता है ना, अपन को नहीं हो सकता खड़ा। अबे याद कर पिछले साल कैसे लड़ा था तू, किसको वोट डाल के आ रहा है? अरे किसको वोट डाल के आ रहा है तू? नसीम टिम्मा को वोट डालने का है, नसीम टिम्मा को ठोक दूंगा साले। वोट किसको डाल के आया बता, दिखाऊंगी। तू तो वोट डाल लिया यार, बाकी नौ उंगलियों का कौन डालेगा? अरे कौन डालेगा नौ उंगलियों का? अबे यार, नौ उंगलियों का और चल डाल। कम से कम आपुन लड़ा तो था, भले ही लोगों से लड़ा। ऐसे नहीं लड़े जाते इलेक्शन, भीख मांगनी पड़ती है, भीख भिखारी बनना पड़ता है, भिखारी। अरे तो बन जाएगा ना आपुन भिखारी, क्या कमी है आपुन में, भिखारी तो आपुन अभी भी ऐसी लगता है। अरे आपुन इलेक्शन लड़ेगा और ये इलेक्शन जीत कर दिखाएगा चच्चा को, यहाँ आएगा आपुन देख लेना। और झोंपड़ियों का सुन लो, उस दिन तक इस घर में कदम नहीं रखेगा आपुन जिस दिन तक इलेक्शन नहीं जीतेगा। चल निकल। यही चिज्जत है अपुन की इस घर में। वाह, तू तो जूडो में चैंपियन निकली, अपुन को ही मार रही है। सिर्फ छोटा भाई इज्जत करता है अपुन की इस घर में, छोटा भाई। छोटे भाई ने बेल्टी बेल्ट रखी। चाचा
को ले गए राजकुमार। बेटे अंधे की बहुत दुआएं लगेंगी, बेटे तुझे बहुत दुआएं लगेंगी। जानवर कोई इंसान की यहाँ को रख के जा, 10 का नोट जो निकाला तूने साले चोरो भिखट्टो। कटोरे तोड़ दी मेरे पीर मेरे मंडे। ए शाला टांग में कैसे आ गए तेरी। आए तोड़ दी मेरी हाय हाय दरोगा साहब। ए बॉस 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 काय को कॉल लगा रहे। अपन तेरे को देगा ना कितने चाहिए तेरे को। 10 का नोट बंधा हुआ। तू 10 क्या 20 पकड़ने का है ना, तेरे को 20 देता है, अपन ले रख। वैसे तुम भिखारी लोग भीख मांगनी पड़ती है, भीख प्रधान बनेगा। प्रधान जी वाह, भिखारी को उठाकर प्रधान बना देंगे। प्रधान जी की टिक फूट गई। ये लड़ेंगे इलेक्शन। अबे ये साला नसीम टिम्मा, घर में 7 वोट हैं इसके, मिले 5 से, अबे आपके वो भी ना मिलेंगे। प्रधान जी बहुत बेइज्जती हो रही है पब्लिक के सामने उठने का चलती। अबे ये किसे लिया आया उठा के, इसकी तो पहले टिक फूट गई। टिक थोड़ी फूटी है, ये तो नारियल फूटा है। अरे ये तो अपन के प्रधान जी ने सगुन करेला है। करना पड़ता है अच्छे चिन्ह के लिए। क्यों? नारियल की जगह सर फोड़ते हैं अच्छे लोग, ताकि चुनाव में अव्वल आए और चुनाव चिन्ह बढ़िया मिले। बहुत शानदार चुनाव चिन्ह लाएंगे आप लोगों के लिए। कैसा लाएंगे? बहुत शानदार। चलो प्रधान जी। अरे इस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे हम। इससे अच्छा तो तुम्हारे चच्चा को मिला है बीच कपड़ा। इतनी बेइज्जती मेरी कभी भीख मांगने में नहीं हुई जितनी इससे वोट मांगने में होगी। नसीम टिम्मा तुझे बता दूं, एक वोट नहीं मिलेगा। एक वोट 5 मिले थे ना पिछली बार। रे कौन सा चिन्ह मिला है प्रधान जी? प्रधान जी गुस्सा पी जाने का कटिंग के माफिक। अगर आप उन्हें अपने चिन्ह की बेइज्जती करेगा तो ये पंटर लोग कैसे वोट डालेगा आप उनको। बहुत अमेजिंग भाई, सुंदर, सबसे महंगा चुनाव चिन्ह आप लोगों को मिला। ब्लैक में खरीदा। क्यों ब्लैक में खरीदा है? पर चिन्ह क्या मिला है प्रधान जी? सुअर मिला है। अरे प्रधान जी और सुअर में अंतर ही क्या रह गया? ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। इससे तो आसानी हो गई, कंफ्यूजन नहीं हुआ। बैनर पे मेरा फोटो लगा दो या सुअर का, एक ही बात तो आसानी हो गई ना चुनाव चिन्ह याद करने में। क्यों नसीम टिम्मा जी? बिल्कुल सही बोल रहे ला प्रधान, बिल्कुल सही। अरे तो माहौल लगेगी। शाम को मीटिंग है, आ जाने का है सबको। बिरयानी चलेगी। अरे माल लगेगी बिरयानी में, माल लगेगी सुअर 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 में। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। माल लगेगी सुअर में। आज बिरयानी के साथ रायता भी चलवाओ। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आज कोरमा है बिरयानी के बाद। करोगे? अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। आज बिरयानी खाकर एक एक प्लेट घर पे भी ले जा सकते हो। अरे लाल रंग गिर गया कपड़े पे, लाल रंग गिर गया कपड़े पे, एप्पल का फोन नहीं है पुअर पे, सुअर पे, एप्पल का फोन नहीं है पुअर पे, सुअर पे। लट चढ़ेगा झगड़े पे, लट चढ़ेगा झगड़े पे। अरे
यूं चलवा रहे हैं बिरयानी हम, ये लाइक ये तो राइम ही ना हो रही। प्रधान जी, अरे सेटिंग है मेरी घर पे, सेटिंग है मेरी घर पे। साली ये पब्लिक की दोगली है, आज भीख बांटूंगा भिखारियों में। ए बाबा हमको भी भीख चाहिए होगी बाबा। बट रही कहाँ बट रही है बाबा? मैं देता हूँ, मैं देता हूँ तेरे को। ए प्रधान हो रहा है तू, अभी क्या भिखारी बन रहे? पागल है, बेइज्जती करवाएगा क्या अपन की? चल वोट मांगने चल, गलियों में वोट मांगने का है, पब्लिक लोगों से जीतने का है क्या नहीं इलेक्शन? मैं प्रधान बनूंगा। हाँ तेरे को प्रधान बनाऊंगा। सरकारी ये लीजिए बैलेट पेपर, आंख मीच के चुनाव वाले दिन नंबर दो पे मोहर ठोक देना। इस कपड़े पे लगाना है। साले प्रधान अपना वोट नंबर तीन पे, अपन को नंबर तीन बताने का है सबको, दो पे अपना चच्चा खड़े लाए। नंबर तीन पे सुअर है हमारा, उस पे वोट डालना है चुनाव वाले दिन, चलते हैं। ए प्रधान तेरे को यही नहीं पता अपन लोग किस पे खड़े हैं? बेइज्जती करा ले पब्लिक के सामने अपन की। कौन से नंबर पे खड़े हैं हम? नंबर दो पे खड़े हैं अपन। नंबर तीन पे खड़े ले सुअर के निशान पे। नसीम टिम्मा तुझे और मुझे मेरा ही वोट जितवाएगा देख लेना एक दिन, और नहीं जीता तो मुझे भी मालूम है क्या करना है तेरे साथ। नंबर तीन पे मोहर लगेगी। प्रधान औरत लोग के सामने प्यार और मोहब्बत से वोट मांगने का है। मेरी जान सिर्फ हमें वोट देना है, इतने प्यार से वोट मांग रही हूँ। हमें दो बस सुअर बन हम लगा दी। एक गांडू प्रधान को देख लेगा इधर। अरे प्रधान इतनी मोहब्बत से भी वोट नहीं मांगने का है? दो पे है मेरा सुअर, मेरा सुअर। बहुत बढ़िया शर्मा उठा ले स्त्री को। ये अच्छा कब से चल रहा है मेस्त्री का सलमान खान? अरे धुलवा देता तू तो अभी आप उन लोगों को, ऐसे वोट नहीं देती है पब्लिक। अरे ऐसे ना देगी तो खरीद लेंगे उन पैसों से तूने एमपीएल पे कमाया गेम खेल खेल के। मेरे गांव के युवाओं बताइए कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। अरे मेरे साथियों कुछ चाहते हो अपने आने वाले प्रधान जी से? बहन के लोड़ो मोबाइल बात को भी चल जाएगा तुम्हारा। क्या खास समस्या होता है प्रधान जी तुम्हें? यहाँ बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता लेकिन लौंडियां नहीं निकलती यहाँ से। ओह नो, बहुत गंभीर समस्या है बहुत। महोदय जी अपनी प्रधानी आते ही हर चौराहे पे चार लौंडियां लगवानी है। हर लौंडिया का टाइम अलग अलग होगा, सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक लौंडिया रहेगी चौराहे पे। अबे स्टैच्यू अगर लौंडिया अब्सेंट हो जाए तो मेरे आदरणीय टिम्मा जी की सेटिंग छेड़ देना। अरे तो और तो समस्या प्रधान जी, इंस्टा पर कोई फॉलो नहीं करता, लाइक नहीं आते। फॉलोअर्स तो मेरे भी ना बढ़ ले, 17 बैठ के पड़े। रोने लगने का प्रधान जी, रोने लग। खैर पहले तो मेरे देश के युवाओं, मेरे गांव के युवाओं, टेंशन मत लो, अपनी प्रधानी आते ही मैं मोहल्ले में चार चार सस्ते गल्ले स्टोर खुलवाऊंगा ऑटो लाइक के, और ऊपर से मेरा मतलब ऊपर से वाईफाई लगवाऊंगा। इंस्टाग्राम पे जो तुम्हें फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ FIR! और एक योजना लाई जाएगी, इंस्टाग्राम योजना, फेसबुक योजना, हर योजना में हर किसी के खाते में 15,000 रख।
फॉलोअर्स के में लगा देंगे प्रधान के में। वादे तो हर कोई करता है, पिछली बार भी वादे हुए थे, लेकिन पिछली बार के प्रधान ने एक काम बहुत अच्छा कर दिया था, ये नालियां बहुत बढ़िया बनवा दी। क्या नाली बनाई है? ए लोडू, बुराई करने का पिछले प्रधान की, तभी पब्लिक लोग अपन को वोट डालेगी। ए, क्या नाली बनाई है ये? क्या है ये नाली? इसमें ना सीमेंट है ना मसाला है। अरे इससे ज्यादा मसाला तो रजनीगंधा में निकल जाता है। ये मेरे कद्दू की नाली है, ये इसे अभी दिखाता हूँ। ये है नाली है, ये इन्हें बढ़िया कहते हो? इनमें लात मारूंगा तो टूट जाएगी। ओह नो, अरे प्रधान तोड़नी था। कुछ नहीं हुआ प्रधान जी को। प्रधान नाली तोड़नी पड़ेगी वरना पब्लिक वोट नहीं डालेगी आप उनको। जान बूझ के लो, ये है तुम्हारे प्रधान जी की नालियां, ये एक बार में टूट गई, एक बार में। अबे नसीम टिम्मा तो बेहोश होके दिखा है। ए बेहोश कोई ना हुआ, ये तो नींद का टाइम है इनकी टिम्मा जी की। सो जाओ बेटे, कंधे पे सो लो। तो मेरे गांव वासियों, कल वोटिंग है। वोटिंग वाले दिन स्पाइडरमैन से ऊपर, यानी कि एक नंबर ऊपर नंबर दो पे मोहर लगा देना। नंबर तीन पे मोहर लगा देना आदमी के सुअर के निशान पे। देखता देखता कौन आया? भड़वा आया, भड़वा आया। खुद ही को कह रहा पोलिंग डे। भाइयों और बहनों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, बीच कपड़ा ही चल रहा है। बेटे बीच कपड़े पे मोहर लगाना, बीच कपड़े पे। ए प्रधान, ऐसे तो ये शान अपना चच्चा जीत जाएगा। कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जाली वोट डालना पड़ेगा। पर जाली वोट डालने में तो बहुत झमेला होता है रे। कुछ झमेला नहीं होता हम जैसों के लिए, हम होने वाले प्रधान हैं, हमें कौन पकड़ लेगा। एक काम करता है, अपन तेरे नाम जैसे की पर्ची निकाल देता। मेरे नाम जैसे की नहीं, किसी की भी दे दो, ऐसे ही वोट डाल आऊंगा, ऐसे ही हमें पकड़ेंगे, ये होने वाले प्रधान को पकड़ेंगे। पिट के आएगा ये पक्का। अरे किसका वोट है बे? अरे ये तो हमारा वोट है, हम प्रधान हैं। अबे कुर्ते पजामे में कौन सी शकुंतला देवी आती है? अरे मारो जरा बहन को। दादा फिर क्या आएगा? बे प्रधान जी का तो कुत्ता भर दिया, इतना मारा आंख तक की काली पड़ गई। आंख थोड़ी काली हुई है मेरी, ये तो अंदर निशान लगाया मेरी उंगली की जगह यहाँ पे। तो फिर खून कैसे निकल लिया मुंह से? खून थोड़ी निकल लिया है, ये तो पान खिलाया अंदर मुझे। अरे प्रधान, कैसा खून की उल्टी कर रहे तू ये? अरे कुछ ना, वो अंदर मुझे एक मीठा पान खिला दिया जीत की खुशी में। अरे तो फर्जी वोट तो डालिया है ना तू? अरे तो अपना वोट तो डाला होगा तूने। वो तो मैंने सुबह ही डाल दिया, और उसी से जीतेंगे हम नसीम टिम्मा, उसी से। किस पर डाला है? अरे देखो देखो कौन आया, भड़वा आया, भड़वा आया। अरे देखो देखो कौन आया। अरे वोट बताने का प्रधान। मेरी आखिरी गुल्लक की एक पर्ची रह गई है, और ये हार जीत के नतीजे तय करेगी। आखिरी गुल्लक की पर्ची, और ये आखिरी वोट से जीत हो गई है गंडेली गांव से बीच कपड़े की। डाला रे, एक वोट से हरा ले रहा आप उनको। मैंने तो बड़ी सही मोहर लगाई थी नंबर दो पे। आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार, आग लगा दो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर दो, ये रहा बटन इसे दबा दो। और गाइस MPL ऐप डाउनलोड करो, इस पे यार आप पैसे कमा सकते हो गेम खेल खेल के, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कौन करेगा? और यार इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अपना इंस्टाग्राम हैंडल है @round2hell। लाइव आने वाले हैं तो फॉलो करके रखो यार जल्दी से। ओके यार, तो वीडियो यहाँ पर खत्म। अच्छा, ये 2 साल पहले की वीडियो है, ठीक है? और 2 साल पहले यार, मतलब इतना ज़्यादा मैं कह सकती हूँ ये चीज़ कि हाँ, इतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो नहीं किया था। मतलब
जितना आज इनकी पॉपुलैरिटी है राउंड टू हेल की, जितना ये फेमस हुए हैं, ठीक है, और उस उतनी ज़्यादा इनकी मतलब पॉपुलैरिटी तब नहीं थी राउंड टू हेल की, लेकिन फिर भी डर्टी पॉलिटिक्स यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, ठीक है, और कंपैरिजन टू अदर वीडियोस, मतलब इस टॉपिक पर, डर्टी पॉलिटिक्स पर, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी और वाइंस वीडियो भी देखी हैं मैंने, ठीक है, दो तीन वीडियो और देखी हैं, लेकिन वो बात नहीं थी उनमें जो राउंड टू हेल में है, मतलब राउंड टू हेल चाहे वो 2 साल पहले वाला हो चाहे वो अभी हो, ऑलवेज टॉप पर रहा है यार, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, ठीक है, और इसकी सेकेंड वीडियो भी मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। पहले जो प्रोस्थेटिक्स या फिर जो खून और वगैरह ये सब यूज़ किया जाता था राउंड टू हेल में, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, तब तो बजट भी कम होता था, और लेकिन अब जो इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया है, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक चैनल की यही खास बात होती है, ठीक है, वो अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेता है, वो अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं वो लोग, ठीक है, और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी रेगुलर वाइंस वीडियो नहीं बनाते हैं जो चली आ रही हैं, ठीक है, सदियों से, कई टाइम से, ठीक है, और एक ही टॉपिक पे जिस पे बहुत सारी वीडियोस बनी हो, तो राउंड टू हेल का कंसेप्ट हमेशा अलग रहता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहता है, बढ़िया लगता है, ठीक है, और कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो चाहे वो किसी बड़ा कोई बड़ा इलेक्शन हो, तो मतलब पब्लिक इलेक्शन के टाइम पर ऐसी हो जाती है कि एक प्लेट बिरयानी और एक बोतल दारू, ठीक है, उन्हें मिल जाए तो वो किसी को भी वोट डाल देंगे, सिर्फ उस टाइम का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हाँ 5 साल हमारे को कौन ज़्यादा सपोर्ट करेगा, कौन हमारी सेवा करेगा, कौन हमारे मतलब मदद करेगा, ठीक है, हमारे देश के विकास में कौन ज़्यादा योगदान देगा वो नहीं सोचते हैं इलेक्शन के टाइम पर। यार हम हमेशा ये बोलते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर, अरे अब तो बिजली भी नहीं जाएगी, अब तो मतलब पानी भी टाइम पे आएगा, अब तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो यार हम लोग भी तो आँख बंद करके वोट डाल देते हैं जो हम मतलब ज़्यादा हमें ठुसाने पे और खिलाने पे। अक्सर यार प्रधानी के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें देखा गया है, ठीक है, लोग उस टाइम इतना ज़्यादा घूस लेते हैं और इतना ज़्यादा मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें नहीं दिखता है कि हाँ मतलब ये बाद में हमारा सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो ये नहीं देखते कि हाँ वो नालियाँ बनाएंगे कि नहीं, वो सड़कें सही करेंगे या नहीं, या बिजली के बारे में कोई मतलब सुधार करेंगे या नहीं, वो नहीं दिखता है इलेक्शन के टाइम पे। उनको जिस भी मतलब तरफ से दारू मिल रही होगी, जिस भी तरफ से पैसा मिल रहा होगा, जिस भी तरफ से नाच गाना और ये सब हो रहा होगा ना, उसे जाके वोट दे देंगे, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसे नहीं देते। तो यार ये चीज़ इसमें इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हेंस की गई। तो बस मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आई होप आप लोग को मेरे रिव्यूज़ पसंद आए होंगे, तो यार अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, और चलो यार यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।